गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हो यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 102वां दीक्षांत समारोह संपन्न होने की शुरुआत हो रही है। और आप देखो सज धज के तैयार है अपना। हाँ साचे हम देख सकते हो सेकेंड कॉन्वर्सेशन शिक्षा समारोह था। बड़ी शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज किया यूनिवर्सिटी के लोगों ने, वाइस चांसलर जैन साहब ने और गुप्ता साहब और अरुण कुमार सिंह साहब ने एकदम, मतलब हम 24 घंटे के लिए आए थे, एकदम दिल फिर से जुड़ गया बनारस। यहाँ पे तो पहले में और अब क्या अंतर देख रहे हैं? हम पिछले 24 घंटे में कई डिपार्टमेंट में गए, कई लैब्स में गए, हॉस्टल में गए, अपने पुराने हॉस्टल में गए, और जो डेवलपमेंट जो प्रोग्रेस हुई है पिछले 20 सालों में काफ़ी हुई, और ये भी देख के अच्छा लग रहा है कि जो आजकल प्रोग्रेस की जो गति है वो तेज़ हो गई, थिंग्स आर मूविंग फास्टर। जो लैब्स में टेक्नोलॉजी है वो एकदम US के बराबर की हो रही है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि जो यहाँ विद्यार्थी हैं स्टूडेंट हैं उनको ही चाहिए। यू हैव टू हैव दैट हियर सो दैट पीपल कैन लर्न, सीखेंगे तभी तो दुनिया भर में जाके तरक्की करेंगे। तो क्या करना चाहेंगे आज स्टूडेंटों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम स्टूडेंट को आज कह रहे हैं कि आज सेलिब्रेट कर लें, बहुत बड़ा मौका है, उनको डिग्री मिली है, उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके करी है, लेकिन डोंट स्टॉप लर्निंग, सीखना मत बंद करें। हमें 30 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तब तो इंटरनेट भी नहीं था, ना मोबाइल फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हमने सीखना बंद कर दिया होता तब तो हमें पता ही नहीं होता कि मोबाइल फ़ोन को कैसे प्रोग्राम करेंगे, कैसे ऐप बनेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपने अभी एक माइलस्टोन रीच किया है, आपने कुछ पढ़ा है, जाके जाइए बाहर और दृढ़ता से संकल्प से सीखते रहे। सर यहाँ पे आपने काफ़ी पहले भी घुमा होगा और आज भी घूमेंगे, तो कितना अंतर पा रहे हैं और क्या लग रहा है कि कल रात को हम प्रोफेसर संजीव के साथ गए थे घाट पे और उन्होंने घाट देखा, एकदम मज़ा आ गया, एकदम इतना साफ़ सुथरा। और 7 करोड़ लगाते हैं बनारस, गोवा से ज़्यादा, तो बनारस इज़ बिकम अ टूरिस्ट स्पॉट। और अगेन जो प्रगति और जो जो प्रोग्रेस बनारस की हुई है सालों में। सर एक प्रश्न हमारा है, चूँकि आज सभी लोगों पास मोबाइल फ़ोन है और आज सबसे बड़ा इश्यू जो बना है आज भी डेटा, मतलब सिक्योरिटी को लेकर बना है, मतलब हाईली सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी डेटा मतलब लीक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं से डेटा मतलब सिक्योरिटी मतलब सेफ नहीं रहेगी, इस पर क्या बनता है? देखिए सेफ है, अब आपको प्रॉब्लम है, आप मीडिया में हैं, मीडिया में तो आपको वही दिखता है जो ख़राब है, जो सब लीक हो गया है, तो बाकी जो नहीं लीक हो रहा आप थोड़ी देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो हो गया। लेकिन नहीं, कहने का मतलब है सर कि आम यूज़र जो है वो मतलब कैसे उसको सीखे? ऐसा है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है, डेवलपमेंट होगी, उसके अंदर कोई ना कोई लोग आएंगे जो ठीक से चीज़ नहीं कर रहे होंगे, तो थोड़ा तो यूज़र के ऊपर भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हर एक ऐप को ना डाउनलोड करें और कोई नई चीज़ जो आती है उसके पीछे ना जाए, जाके मेक श्योर क्रेडिबिलिटी का। अब आप अपने लिए कुछ खरीदते हैं तो दुकान देख के जाते हैं अंदर, बिल्कुल अब ऐप देख के जाइए कि भाई ऐप ऐसे कोई ऐसे लग रही है कि भरोसेमंद है कि नहीं, अगर आप कुछ रिलायबिलिटी नहीं तो उसमें मत डालिए डेटा, क्योंकि पूरा यकीन है कि डेटा कहीं चोरी करके या कुछ गड़बड़ों के लिए हो गए, उसको किसी और तरीके से यूज़ किया। सो वी ऑल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स। थैंक यू सो मच। हाँ बधाई हो पहले। धन्यवाद। कैसा लग रहा है ये बताओ? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है, मेडल मिला है। एक बात बताओ, जैसे जो जूनियर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बस यही कि काफ़ी मेहनत करना होता है, क्योंकि इतने 25-30 हज़ार लोग, इतने लोग एक बैच में जब होते हैं एफिलिएटेड कॉलेज और सारे फैकल्टीज़ मिला के, उसमें से एक मेडल मिलना तो बहुत ही प्राउड की बात होती है, तो लेकिन उसके लिए मेहनत कितना चाहता है वो तो अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही मेहनत करना होता है उसके लिए। मतलब कभी ऐसा हुआ कि एक साथ एक ही पोस्ट के लिए 4-5 लोग हों?
और सभी को दे दिया जाए मेडल। हाँ ऐसा अगर एकदम बराबर टाई होता है तो करना ही होता होगा। मतलब आप चाहेंगे ना कि ऐसा हो आने वाले जूनियर्स जो हैं? जूनियर्स के लिए हो तो अगर चार होंगे तो जरूर मिलना चाहिए सभी को। आप बताओ कुछ संदेश बताओ, क्योंकि नाम बताओ तो अपना। श्रेया एक बात बताओ, जो आपके जूनियर्स हैं ठीक है, उस चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि दीदी ने क्या क्या किया होगा जिसके चलते वो मेडल पाई, बताओ कुछ। बस यही जैसा भैया ने कहा कि बहुत वो होता है कि किसी को मिले मेडल, उसके लिए बस बहुत मेहनत करनी है क्योंकि कंपटीशंस बहुत होते हैं क्लास में, तो उसके लिए मेहनत करना है, अपना बेस्ट देना है। तो कंपटीशन को कैसे कोप अप करते हैं मतलब आप लोगों ने? कंपटीशन के लिए ये कि अपना बेस्ट देना है, दूसरों को कंपटीशन के चक्कर में तो वो अप डाउन लगा रहते हैं पर अपना बेस्ट देने पे सोचे। जूनियरों जरा ध्यान दीजिएगा इन दोनों पे। थैंक यू। कार बंधु कैसा लग रहा है? देखिए कौन कितने मेडल पाए हैं आप? सर तीन मेडल से। तीन मेडल हैं, अलग अलग करके दिखाइए। बहुत मेहनत के साथ इस मेडल पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और दूसरी तरफ चांसलर मेडल, जिन कारणों से फिर विभूति नारायण मेडल और ये क्या है BHU मेडल। बताओ क्या नाम हुआ आपका? सर धीरज द्विवेदी मेरा नाम है। धीरज कैसा लग रहा है? धीरज सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सर। क्या कहोगे जूनियरों के लिए? कुछ नहीं सर, बस कड़ी मेहनत करते रहें, जो भी परीक्षा है उसमें मन लगा के मेहनत करना है। मन लगा के मेहनत करना है, कोई भी सर मतलब चीज़ छोटा बड़ा नहीं होता। आप किस डिपार्टमेंट से थे? हमारा ज्योतिष है सर। ज्योतिष, बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि ज्योतिष वाले जो हैं है, कितना एक्टिव होना है समाज में कई चीज़ों को लेकर, क्योंकि गुरुजन कहते होंगे ना कि इसका पैकेज कैसे होगा क्या होगा, कभी आप सोचते हो कि इस कोर्स का भी एक पैकेज होना चाहिए जैसे IIT का पैकेज है, साइंस का पैकेज है? धीरे धीरे होंगी सर, अभी सुधार, अभी तो उतनी चीज़ें निखर नहीं पाई हैं धीरे धीरे। अभी तो समाज में जिस तरीके से इसको मतलब प्रचलित किया जा रहा है, जिस तरीके से नीचा दिखाया जा रहा है, अभी पहले उससे उभारना है हमको इससे। हाँ लेकिन ऊँचा होगा। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अलग तो जगह ही है। हाँ चलिए धन्यवाद, मिलते हैं जरा गोल्ड मेडलिस्टों से। आप सभी को बधाई हो। जरा सा कुछ वैसी चीज़ें बताइए जो जूनियर्स ध्यान रखें। हेलो, जैसे जूनियर्स अगर आते हैं तो उनको यहाँ माहौल मिलता है पढ़ने का, बट साथ साथ बहुत सी चीज़ों का माहौल मिलता है, एक्सप्लोरेशन मिलता है यहाँ पे, जिससे वो पढ़ाई कर सकते हैं और अपने अंदर की एबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? आनंद रत्ना चौरसिया। किस डिपार्टमेंट से? जियोलॉजी डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ओके, और कोई जो जूनियरों के लिए कुछ बता सके? जूनियरों को कहना चाहेंगे कि यहाँ हॉस्टल में आएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और पढ़ने के लिए और साथ साथ दोस्तों के साथ एक एक नया चीज़ एडवेंचर और अलग अलग चीज़ों को सीखने के लिए आनंद आएगा और अच्छे लगेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी आप आइए और BHU का नाम रोशन कीजिए और अलग अलग जगह पर अपना बैठिए और देखिए कि आज यहाँ माहौल एकदम फैमिली जैसा है, यहाँ एक फैमिली बन जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख सकते हो एक खुशी का माहौल। कैसे हैं? बड़े आप? आप देख सकते हो मनाया जा रहा है खुशी खुशी 102वां दीक्षांत समारोह। सभी को धन्यवाद।